नमस्कार, अब खबर मऊ से। अपर विकास अधिकारी महिला ऑपरेटर के साथ करती हैं छेड़खानी। पीड़िता ने डीएम से मांगी न्याय, एक सप्ताह बाद भी नहीं हुई कार्यवाही। अब तक अपने नेता विधायक एवं मंत्री को बलात्कार छेड़खानी के आरोप में फंसते देखा था, लेकिन अब अधिकारी भी छेड़खानी जैसी घिनौनी हरकत से गुरेज नहीं करते हैं। हम बात करें अपर विकास अधिकारी श्रीकांत मिश्रा की, जिसने अपरोनी के कार्यालय में तैनात डाटा फीड ऑपरेटर ने छेड़खानी करने का आरोप लगाया है, जिसे परेशान होकर महिला कर्मचारी ने डीएम प्रकाश बिंदु को ज्ञापन देकर न्याय की मांग की है। इस घटना से सरकारी विभागों में खलबली मची हुई है। वहीं इस मामले में आरोपित अपर विकास अधिकारी ने बेतुका बयान देते हुए कहा है कि छेड़खानी करते हुए किसी ने नहीं देखा तो साबित कैसे होगा। पूरा मामला मऊ जिले के हलधरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रतनपुरा ब्लॉक का है, जहां अपर विकास अधिकारी ने पद पर श्रीकांत मिश्रा तैनात हैं, जिनके ऊपर ब्लॉक की डाटा फीड करने वाली ऑपरेटर ने छेड़खानी करने का आरोप लगाया है। हालांकि जिस महिला ने आरोप लगाया है वो जिले के परदहा ब्लॉक में ऑपरेटर के पद पर तैनात है। अपर विकास अधिकारी श्रीकांत मिश्रा ने आरोप लगा है कि महिला ऑपरेटर के कार्य करते समय पीछे और बालों पर हाथ फेरते हैं, साथ ही गंदी गंदी बातें करते हैं, जिसको महिला ऑपरेटर ने कई बार मना किया लेकिन अपर विकास अधिकारी नहीं माने। हालांकि अपर विकास अधिकारी को दोनों ब्लॉकों का चार्ज नहीं दिया गया था, लेकिन ये मामला सुनकर मुख्य विकास अधिकारी ने अपर विकास अधिकारी को रतनपुरा भेज दिया। वहीं महिला ऑपरेटर ने मांग की कि हमारा किसी दूसरे ब्लॉक में ट्रांसफर कर दिया जाए या उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाए। मामले को एक सप्ताह बीतने के बाद भी जिलाधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अब ये सवाल है कि क्या जिलाधिकारी अपने आरोपित अधिकारी को बचा रहे हैं। वही इस मामले में जब हमने सिटी मैजिस्ट्रेट से सवाल किए तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि ये जाँच का विषय है और जाँच के बाद ही कुछ बताया जाएगा और दोषी पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में जब अपर विकास अधिकारी श्रीकांत मिश्रा से बात की गई तो बेतुका बयान देते हुए कहा कि किसी ने छेड़खानी करते हुए देखा ही नहीं तो साबित कैसे होगा। साथ ही कहा कि जब ये मामला 2 महीने पहले का है तो अभी क्यों शिकायत की गई, ये सारा आरोप गलत है। गौरतलब है कि जब इस मामले में अपर विकास अधिकारी बेतुका बयान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि इस अधिकारी ने छेड़खानी की है। फिलहाल अब देखना होगा कि डीएम प्रकाश बिंदु इस मामले में अपर विकास अधिकारी पर कार्रवाई करते हैं या मामले में समझौता करवाते हैं। मऊ से एटीवी न्यूज चैनल के लिए विनय श्रीवास्तव की स्पेशल रिपोर्ट।